दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज बात होगी पैकेज को लेकर के, क्योंकि पैकेज को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पैकेज को लेकर के क्यों परेशान है? क्योंकि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि पैकेज कितने डॉलर का होने वाला है, और इंडियन रुपीज़ की बात करें तो ये हज़ारों में होगा। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पैकेज लॉन्चिंग के बाद नहीं लेंगे तो आपकी अर्निंग आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये एक रियलिटी है और इसको आपको अपनाना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीन्स कि अगर आप फाउंडर हो, और इसका एक क्राइटेरिया रहेगा कि इतने दिन में आप पैकेज लो, तो आपके नीचे जो लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अगर इस इतने क्राइटेरिया में अगर आप पैकेज नहीं बाय कर पाए, आपके पास पैसे नहीं, तो आप फाउंडर नहीं रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज में रहते हैं। एक क्राइटेरिया आएगा 3 महीने का, कि अगर आप 3 महीने 4 महीने जो भी हो, वो आप कंपनी डिसाइड करेगी, मेरी कोई बात नहीं है। जो भी क्राइटेरिया हो, उस क्राइटेरिया में अगर आप अपना पैकेज कर लेते हैं, तो जो भी कंपनी की तरफ से आपको ट्रैफिक मिलने वाला है वो आपको मिलता है। यानी कि जो अर्निंग आपकी उन 3 महीनों में, उन 2.5 महीनों में जो भी क्राइटेरिया में हुई है, उसको आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हो। और बात यह आती है कि अगर वो क्राइटेरिया ख़त्म हो गया, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं फाउंडर नहीं रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं, आप जब तक फाउंडर, आपने फाउंडर की रकम पे की है, तो आप फाउंडर हमेशा रहोगे। अब बात यह आती है कि अगर मैं क्राइटेरिया कंप्लीट होने से पहले, मान के चलते हैं कंपनी का पैकेज 3 महीने का है, 3 महीने में आपको पैकेज लेना ही लेना है, क्राइटेरिया है, अगर उसमें नहीं भुगतान कर पाया, पैकेज नहीं ले पाया, तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त, इसमें एक कंडीशन ये होगी, आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंपनी के हिसाब से नहीं है, कि आपकी जितनी भी अर्निंग होगी उस ट्रैफिक के हिसाब से वहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी की आईडी में, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आईडी में $500, जिनकी आईडी में $1,000 या फिर $2,000 शो हो रहा होगा, वो पैकेज उसके अकॉर्डिंग वो बाय नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से लग रहा है कि सभी लोग अफोर्ड कर लेंगे, और 3 महीने का अगर क्राइटेरिया होता तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एस मुफारिस सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि पैकेज का जो सिस्टम है, हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। मीन्स कि हम 3 महीने पहले या फिर कुछ दिन पहले ही, पैकेज लॉन्चिंग से पहले ही हम स्टार्ट कर देंगे, आप लोग ले सकते हो। तो वहाँ से हमारी टेंशन शुरू हो गई, और जो भी बंदा है अपने अप्लाइंस से, अपने स्पॉन्सर से, जो भी कनेक्ट करके, तो एक दूसरे से मदद करके, ये एस मुफारिस सर जानते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, एस मुफारिस सर ऑलरेडी आपके लिए टेंशन ले रहे हैं। तो पैकेज को लेकर के आपको टेंशन नहीं है। हाँ, एक रीज़न है कि जब तक आप पैकेज नहीं लोगे, जब तक आप अपनी अर्निंग को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। और ये बहुत दिन से हम लोगों को, सब लोगों को पता है, क्योंकि एस मुफारिस सर इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि पैकेज स्टार्ट होना मीन्स कि आप अपनी मार्केटिंग का भुगतान कर रहे हो, आपने जो टूल्स लिए हैं उसका भुगतान कर रहे हो, आप जो वेबसाइट बनाए उसका भुगतान कर रहे हो, ट्रैफिक का भुगतान कर रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। फाउंडर्स के लिए गारंटेड ट्रैफिक है, इसीलिए वहाँ पे पैकेज से पहले हमारी गारंटेड ट्रैफिक तो मिलेगा, लेकिन एक पैकेज का एक क्राइटेरिया है कि भाई आप पैकेज को जब बाई करोगे, तब जाकर के आप इसकी अर्निंग स्टार्ट करोगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, पैकेज को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको ये समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वी आर सो इन इट टू विन।